अमेठी के तहसील तिलकोई के आदोरी गांव सभा के मैडई रामगुलाल के चार पुत्र रामेश्वर, रामसुख, दुखी, परमेश्वर कुछ दिन पूर्व राम गुलाम की मृत्यु हो जाने से परिवार में कलह होनी शुरू हो गई। नियमानुसार मृत्यु के उपरांत पति सुनाता, चारों पुत्र के नाम जमीन बराबर संपत्ति चारों के नाम राशि विभाग के अभिलेखों में दर्ज हो चुकी। वहीं पर बड़ा भाई रामेश्वर, रामसुख अपने दोनों भाई व माँ की जमीन हड़पने के लिए राशि विभाग हल्का लेखपाल की मिलीभगत से बहमी बटवारा बताकर काटा संख्या 24/46/85/11 को बड़ा भाई अपना निजी बताकर जबरन दबंगई के बल पर कब्जा करने लगा, जिसका विरोध भाइयों व माँ के करने पर कुछ दिन पहले बड़े भाई रामेश्वर, रामसुख दोनों सीधे साधे भाइयों को जमकर मारपीट की। वहीं कुछ दिन बाद उसी संभले जमीन पर पुनर्निर्माण करने लगे तो पीड़ित पक्ष स्थानीय पुलिस प्रशासन को लेकर तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची व निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया गया। दबंग के आगे लाचार पीड़ित माँ भाई ने इसकी शिकायत विभागीय उच्च अधिकारी से की। निडर बैकऑफ दबंग उसी जमीन पर पुनः कब्जा करने लगे। रोड के किनारे कीमती जमीन पर पड़े भाई की नियत बदल कर भाइयों को ही एक अंजाम देने को तैयार है। क्या नाम है आपका? दुखी जी। ये क्या मामला है पूरा? ये जमीन के हमारे बाप कब्जा की करी हुई जमीन है, हमारे भाई को हमारी माँ को हिस्सा नहीं दे रहे हैं और हम सुख ने बेचा है, दूसरा आदमी खरीदा, चोरी से बेच रखे है जमीन को, और हमने हिस्सा मांगने जाते हैं, हमको मारते हैं, गाली भी देते हैं और कहते जाता बोलो तो मुझे यहाँ से मार के बहा दे। उस पर निर्माण हो रहा है? हाँ जी, मैं थाने गया, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रधान के पास जाते हैं, प्रधान के शाम को देखेंगे, सुबह आना, सुबह जाते कहते शाम को आना, शाम जाते कहते दोपहर में आना, दोपहर में जाते कहते शाम को आना, और हम जाते तो कहते तुमको हिस्सा क्या दे, जो आपको ले जाके हम जानते हैं, जवाब भी देता है और हमारे मौके सुनवाई भी नहीं करता प्रधान। नाम है क्या मामला था? मामला यह था कि हम चार भाई थे, माता जी हमारी हैं, वो हिस्सा पांचों लोग का है, वो कहा कि मतलब हमारे बड़े भाई ने मकान बनाए रहे, मकान बनाने की बात कहा कि मतलब हमने कई जगह गया हुआ खुद ही नहीं सुना, सुनने की बात कहा कि मतलब नेपाल सुरेंद्र पाल ने गया, नेपाल नापा, नापे की बात पैसा कौड़ी लेकर वो उल्टा सीधा नाप के बनाए रहे मकान पूरा, कब्जा कर रहे हैं दबंग है भाई लोग हमारे। अच्छा, तुम्हारी भी जमीन भी तुम्हारे ही भाई बनवा रहे हैं? हमारी जमीन में हमारे भाई भी बनवा रहे, तुम्हें हिस्सा नहीं दे रहे हैं? हमारा नाम परमेश्वर है। ये मामला क्या है? मामला ये है कि कहा कि मतलब हम नानी के यहाँ रहते हैं जी, नानी के यहाँ बहादुरपुर ग्राम सभा में, बहादुरपुर मोहल्ले में हम रहते थे, पिताजी हमारे खत्म हो चुके जी। कितने भाई हो? हम चार भाई थे जी, चार भाई में महतारू का हिस्सा लगा पचैया जी, हमने एप्लीकेशन दिया बंटवारा का जी, ठीक जायज थाने में जी, जायज थाने में हल्का नसीरा पहले का मतलब हल्का नहीं जानते थे, ठीक हम जायज थाने के रहने वाले हैं, ठीक वही की बाद में कहा कि मतलब जो हम जाने पाओ कि मकान बन रहा तो उस पर रोक लगवावा, हल्के के सिपाही तो रोका, दोनों गए वो रुकवाए, रुकवाए की बाद नेपाल गया, नेपाल का हम नाम पता नहीं जानते कौन है कौन नहीं, ठीक वही की बाद में एप्लीकेशन हम फिर दिया जी, देह की बाद फिर मकान बना रहे हूँ, वो पाँच हिस्सा है, हिस्सा नहीं दे रहे, मतलब किसी और को हिस्सा नहीं दे रहे, अकेले बनवा रहे? अकेले बनवा रहे। वो आपके कौन है जो बनवा रहे? वो हमारे भाई लोग, भौजाई लोग बनवा रहे दूसरे का,